नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। क्लोजिंग करते समय डिसीजन कैसे पूछें, क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कई सारे लोग क्लोजिंग करते वक्त डिसीजन पूछते ही नहीं है। लेकिन यहां पे कई सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि सर डिसीजन पूछने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से डिसीजन पूछे कि आपका कन्वर्जेशन रेशियो बढ़ जाए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूंगा एंड दैट इज कुकू एफएम। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म। इसका रेटिंग भी 4.2 प्लस है और ये एक इंडियन एप्लीकेशन, यानी कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। यहाँ पे 1000 प्लस आवर्स की ऑनलाइन कंटेंट लाइब्रेरी है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। आप बुक्स को सुन सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में और अपने टाइम के हिसाब से। आज से 6 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैंने सेल्स में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, इसके ऑथर फ्रैंक बेटकर। आप इस बुक को भी इस ऑडियो प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इसे डेफिनेटली सुनना चाहिए। वैसे तो इसकी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्राइस काफ़ी कम है, फिर भी अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को उसमें भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इसे डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि आपको अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग करना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टार्ट कब होगा? जब आप डिसीजन पूछते हैं। जब आपने डिसीजन पूछा, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शन आया, जो भी आपके सामने आता है, उसको टैकल करके आप उस व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं। तो आप जब डिसीजन पूछते हैं, उसके बाद की जो प्रोसेस है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा तामझाम, प्लान की शुरुआत से लेकर इन्फॉर्मेटिव पार्ट से लेकर सब कुछ इसलिए है कि हम अच्छे से क्लोजिंग कर पाए। तो क्लोजिंग की शुरुआत तब होगी जब आप डिसीजन पूछेंगे। अब सबसे पहला रूल ये है कि डिसीजन पूछने से पहले आपके प्रोस्पेक्ट के मन में जो चीज आपने बताई है, जो प्लान आपने बताया, उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बिफोर आस्किंग द डिसीजन आप उनको ये बोल सकते हैं कि मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया, क्या इसमें से कुछ भी ऐसा है जो मुझे रिपीट करना चाहिए, जिसको आप दोबारा समझना चाहेंगे? या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आपको सब कुछ समझ तो आ गया ना, कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई? जब आपका प्रोस्पेक्ट कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद ही आपको डिसीजन पूछना है। और अगर उसने कुछ कहा कि मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया, वो थोड़ा समझ नहीं आया, तो आप उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करके उसे वो चीज़ समझा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना पार्ट, पूरा प्लान फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला नियम है कि डिसीजन पूछने से पहले आप उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर दीजिए, जिससे कि आप जब डिसीजन पूछेंगे तो उसके बाद वो प्लान को लेके और किसी चीज को लेके मेंटली फिर से कोई टॉपिक निकाल के ना आए और बहुत आसान तरीके से आप आगे बढ़ सके। रूल नंबर 2, अब जब आप डिसीजन पूछेंगे उस टाइम की सिचुएशन क्या होती है? जैसे आपने पहले प्लान की बिगिनिंग की, प्लान की बिगिनिंग किस तरीके से करनी, इस टॉपिक के ऊपर हमने 2 से 3 वीडियो बना के दिए हैं। यहाँ पे मैं उसकी थंबनेल भी आपको दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बिल्कुल इसी तरीके से शुरुआत करनी है, तभी आप अच्छे से क्लोजिंग कर पाएंगे। क्योंकि क्लोजिंग आप कितना अच्छे से कर पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्लान की बिगिनिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपने ओपनिंग बहुत अच्छे से की, और जब आप इस प्रकार से ओपनिंग करते हैं तो एक मोटिवेशन क्रिएट होता है, एक मोटिव क्रिएट होता है प्लान को देखने का। लेकिन उसके बाद जो 10-15 मिनट आप इंफॉर्मेटिव प्लान दिखाते हैं ना, कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, किस प्रकार से लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि आदमी मानसिक रूप से थोड़ा ठंडा हो जाता है। यानी कि पहले जो एक मोटिव क्रिएट होता है, एक मोटिवेशन क्रिएट होता है, वो उसके दिमाग से चला जाता है। तो बिफोर आस्किंग द डिसीजन दूसरा नियम यह है कि आपको वापिस उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। शुरुआत में आपने जो बातें डिस्कस की है उसको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमने इस प्लान की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बोला था दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, आप कहाँ पे जाना चाहते हो, आज से 5 साल बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, या आपका ये टारगेट था उसको अचीव करने के लिए मैंने बोला था कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपने कहा था कि हाँ मेरे पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ। आप उस वीडियो को देखिए, आपको एक्जैक्टली पता चलेगा बिगिनिंग में आपने क्या बातचीत की। तो वो बातचीत आपको फिर करके लेके आना है और उसके बाद ही आपको डिसीजन को पूछना है। यानी कि वो जो पूरी मैटर है उसको लगभग 30-40 सेकंड में या 1 मिनट में आपको रिपीट करना है, जिससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो फिर से एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन वाले फेज में चला जाएगा और अब वो मानसिक रूप से डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब तीसरी चीज है कि डिसीजन पूछे कैसे।
देखिए, डिसीजन पूछने से पहले आपने डाउट सोल्व कर दिए, आपने शुरुआत याद दिला दी। अब आपको कहना है कि देखिए, मेरा काम तो सिर्फ दिखाना है, आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मैं 10 लोगों को ये प्लान दिखाता हूँ, उसमें से 5 लोग ज्वाइन करते हैं, 5 लोग नहीं करते। अगर आप यस कहते हैं, इस 5 में आते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप नो कहते हैं, अगर इस 5 में आते हैं, तब भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको प्रेशर नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपके और आपके परिवार के लिए दिखाई है। जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, तो फैसला भी आपका होना चाहिए। और आप जो भी डिसीजन लेंगे, उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको प्रेशर नहीं करूंगा। ये आपको बहुत क्लियरली बताना, इससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो यहाँ पे सफोकेशन फील नहीं करेगा, वो मानसिक रूप से फ्री रहेगा। और जब वो मानसिक रूप से फ्री रहेगा, तो वो सोचेगा और वो डिसीजन भी लेगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बताना है कि देखिए, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वो इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करके अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगा, जहाँ से जिंदगी में वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो सपने उसने देखे हैं, या फिर वो उसी जिंदगी में चला जाएगा, उसी दुनिया में चला जाएगा जहाँ पे सपना पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है, एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वो यस कहेगा या नो कहेगा? तो आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत कहेगा कि एक समझदार व्यक्ति तो यस कहेगा। तो बताइए सर, व्हाट इज योर डिसीजन, आपका डिसीजन क्या है, यस और नो? आप एक डायरी में यस और नो लिख के उसके सामने रख दीजिए और चुप हो जाइए। अब कुछ मत बोलिए, अब बोलने की बारी उनकी है। और जब तक वो कुछ नहीं बोलते, तब तक आप बस उनको सिर्फ बोलने के लिए मोटिवेट कीजिए, किसी दूसरे टॉपिक की शुरुआत ना करें। तो ये प्रॉपर तरीका है। अब होगा क्या, अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है यस आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, ठीक है, तो आप तुरंत ही उनके साथ आगे की प्रोसीजर बता सकते हैं। आप उनको प्रोडक्ट कैसे परचेस करना है, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन कराना, वो आप जानते हैं क्या करना है। लेकिन अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है नो आई डोंट वांट टू ज्वाइन, अगर उसका डिसीजन है नो, तब आपको क्या करना है, तब आप उनको बोलिए कोई बात नहीं सर, आप नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन पिछले आधे घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारा एक रिश्ता बन चुका है, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? यहां पे आपके सामने ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी तो बहुत कंपनी आके चली गई, मैं पहले सोच लेता हूँ, मैं पहले सोचूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, या अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पहले ऐसी कंपनी की थी, किसी भी प्रकार के 20 प्रकार के ऑब्जेक्शन है। और वो ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है, उसके ऊपर तो हमने बहुत से वीडियोस बना के दिए हैं, एक एक ऑब्जेक्शन के ऊपर भी वीडियो बना के आपको दिए है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप जाना शुरू कीजिए। और देखिए, एक ही प्रोसेस में जाने का फायदा ये होगा कि धीरे धीरे आपकी इसमें मास्टरी आ जाएंगी और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और यही चीज आपकी टीम में भी डुप्लीकेट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसी प्रकार से डिसीजन पूछेंगे और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।